Uh, क्योंकि जो ट्रेड्स हैं वो काफी अच्छे एक रन के साथ और बिना अपने एस uh, को इतना हिट किए गए हैं सो so, इस बार जो विनिक्स विनिंग स्ट्रीक रही है इसकी सेटअप की वो काफी अच्छी रही है क्योंकि uh, इसका ना बेस ही यही है जो सेटअप हम 75 डेज हार्ड के लिए डिस्कस करते हैं जिसके लिए मैंने लाइव सेशन भी लिया था जूम विद यूडी मेम्बर्स डेली मैं यहाँ पे एनालिसिस भी करती हूँ अगर आप देखोगे डेली वीडियो पे लिखा होता है हम नेलवे की आज फिफ्टी डे था आज फिफ्टी डे डेता सो so, इस पे हम वही सारी चीजें ही मेंटेन करके चल रहे हैं सो so, अब यहाँ पर अगर आप नोट करोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज कहाँ हमारा ट्रेड सेटअप बना था ठीक है और प्लस में कल के लिए हमारा इसमें क्या अपडेट रहेगा वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी हम अपना जो इनसाइड कैंडल है वो ऑन कर लेता है ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर अब मेन चीज की हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कल के एनालिसिस की बात करते हैं कल के एनालिसिस में अगर आपने नहीं देखा ना जाके देखो कल के एनालिसिस में ये दो तरीके से मैंने आपको चार्ट फॉर्म करके दिया था जिसमें मैंने आपको क्या बोलता कि यहाँ से एक तो अपसाइड का मोमेंटम अदरवाइज यहाँ पे एक इस तरीके से करके पैटर्न बना है इसके डाउन साइड का मोमेंटम और हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा ये सेम चीज ईओडी में चार्ट के थ्रू आज शेयर हुई थी अगर आप जो हमारे मॉर्निंग चार्ट जाते हैं वो चार्ट यहाँ पर जाके देखोगे सो दिस इज द चार्ट ऑफ फिन निफ्टी एंड दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने इस लेवल के नीचे का दिया है और यहाँ से हमें फाइव यानी इन सारे लेवल्स के लिए मैंने कुछ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बना के दिए थे ठीक है एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने उन सब प्राइस को हिट करने की ट्राई साइड के लिए अपने सपोर्ट को जो है यहाँ पर हिट करते ही जो हमारे प्रीवियस डेज के इम्पोर्टेंट जहाँ जिन लेवल से मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया सेम उसी लेवल पर आकर प्राइस ने दोबारा से सपोर्ट लिया है नाउ रिमेंबर दिस मैं स्टार्टिंग से ये वाली चीज़ें बोल रही हूँ ट्रेंड इज द फ्रेंड जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उस डायरेक्शन में आप बाय करने की कोशिश करो डब्ल्यू पैटर्न पे इतना ज्यादा फोकस मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मार्केट इस टाइम पे अप ट्रेंड में है हर सपोर्ट पे बाइंग पर फोकस मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मार्केट अपसाइड के ट्रेंड में है तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा प्राइस वहां से एक डायरेक्ट uh, एक प्रॉफिट बुकिंग बोलो या एक रन वहां से देगा ही देगा अब से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था तो इसके बाद डायरेक्ट मार्केट ने एक अपसाइड का रन दिया अब इसको कैप्चर किस तरीके से करना था वो अपने पास सेटअप है तो उसकी हमें टेंशन नहीं इसके पहले यहाँ पर क्योंकि कल का एनालिसिस हुआ था मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट आते ही आपको डायरेक्ट साइड एक रन देखने को मिलेगा लेकिन मैंने यहाँ पे मैं हमेशा मैंशन करती हूँ ब्रेकआउट के बाद इस तरीके से मुझे एक पुल बैक कैंडल चाहिए पुल बैक कैंडल हमारे इन साइड ओपोजिट कलर कैंडल होती है नाउ सी दिस सेकेंड कैंडल यहाँ पर हमारी इनसाइड कैंडल थी और इसके बेसिस पर दिस इज द वन इज टू फोर रन और बहुत ही शानदार रन था ये यहाँ पे ठीक है तो डायरेक्ट एक वन साइडेड यहाँ पे जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे हमें काफी अच्छा रन मिला सो so, ये रन के बाद प्राइस ने क्या किया प्राइस अपने दोबारा से सपोर्ट पर जो अपने आ, कुछ पिछले दिनों के सपोर्ट था यहाँ पर जाके इसने मेंटेन किया एक इस तरीके से करके पैटर्न इस पैटर्न को फाइव मिनट्स की जगह अगर आप थ्री मिनट पे देखते हो तो इस पैटर्न की क्लैरिटी आपको और भी ज़्यादा मिलेगी एट द टाइम फ्रेम ऑफ थ्री मिनट नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डब्ल्यू पैटर्न ठीक है लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप हर केस में इस पैटर्न को फॉलो करोगे दिस इज की अगर आपको फाइव मिनट में थोड़ी रेंज दिख रही है नई क्लैरिटी मिल रही तो आप यूज करो थ्री मिनट टाइम फ्रेम अब इसका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद एक इन कलर की कैंडल हमें यहाँ पे मिली एट द फाइव मिनट टाइम फ्रेम अगर हम जाके देखेंगे तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद हमें ऑपोजिट कलर कैंडल मिली है ठीक है हमें क्या करना है इस ऑपोजिट कलर कैंडल का जो हाई है वो मार्क करना है इसका लो हमारा एस रहना चाहिए ठीक है एंड डायरेक्ट हमें यहाँ पर वन दिख रहा है जिसके जो टारगेट पॉइंट है वो वन है और मैंने कल ही Uh, ये चीज एक्सप्लेन की है कि 70 80 पॉइंट्स का जो रन होता है, वो काफी रन होता है और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में एक और चीज भी समझने की है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना दो एंट्री है एक एग्रेसिव एंट्री है और एक सेफ एंट्री है सेफ एंट्री इज वॉट की एक बेस बना बेस के नेक लाइन का ब्रेकआउट आया पुल मिला हमें कॉन्टिन्यूएशन मिला हमने एंट्री किया एक होता है कि बेस के ब्रेकआउट से पहले की एंट्री जो कन्फर्म्ड नहीं होती और यहां पर ब्रेकआउट से पहले जो इन साइड कैंडल या ऑपोजिट कलर कैंडल होते हैं वो जो होती है वो हमारी एग्रेसिव एंट्री होती है सेम अगर आप यहां पर जाके नोटिस करोगे तो इस पैटर्न पर जो ये इनसाइड कैंडल थी ये हमारी एक्चुअल में एक तरीके से एग्रेसिव एंट्री है तो ये हमारी यहाँ पे इसका जो रन है वो काफी अच्छा है लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है नाउ अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर निफ्टी में जो चार्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल बना है अगर आप देखोगे यहाँ पर जाके बहुत ही सिंपल तरीके से एक शॉर्ट हेड एंड शोल्डर बनाने की यहाँ पे कोशिश है अगर आप थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको प्योर हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिखेगा पूरी बहुत ब्यूटीफुल बनता हुआ ठीक है इसका ब्रेकआउट आया इस पर इनसाइड कैंडल मिला और ये सेटअप अगर आप देख रहे हो ना थ्री मिनट पर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है बट थ्री मिनट पे आप अपने साइड से इसको बैक टेस्ट करो और उसके बाद इसका रिजल्ट देखो अभी तक ये बैक टेस्टेड हमारे फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे है फाइव मिनट टाइम फ्रेम कैंडल का, का, uh, का टार्गेट उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का ही रन दिया है जिसको हम यूनिट्स होल्ड करके जो है कैप्चर कर सकते थे तो ऑलमोस्ट वन इज टू थ्री का रन हमें यहाँ पर निफ्टी में डायरेक्ट हमें दिख रहा है सो so, सारे सेटअप के बेसिस पे हुए हैं ठीक है रन में सारे सेटअप के बेसिस पे थे और सारे सेम सपोर्ट पे थे जो आपको वीडियो में कल बताए गए जो हमने कल एनालिसिस किया ठीक है और सेम चीज जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्राइस गिरते हुए इन साइड कैंडल से टर्न होता है दिस इज द थिंग प्राइस गिरा और इन साइड कैंडल से जब नीचे के साइड पे कंटिन्यूएशन नहीं मिला तो कंप्लीट डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग हो गई ये देख रहे हो ये वाला जो लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया था इसी ब्रेकआउट लेवल का आज ब्रेक डाउन दे दिया था प्राइस ने तो यहाँ पर जो सेलर्स थे एग्रेसिव सेलर्स वो एंटर हुए थे जिसकी वजह से इन साइड कैंडल भी बनी बट तो प्राइस ने कॉन्टीन्यूएशन नहीं दिया तो वो ट्रैप हो गए ट्रैप हुए इसलिए निफ्टी में डायरेक्ट वन साइडेड का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला मैगनिफ्टी से भी ज्यादा अच्छा ठीक है सो so ये था आज का एनालिसिस अब हम कल अब हम चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारा एक क्या व्यू हो सकता है बिकॉज आज का जो मोमेंटम था चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अमेजिंग है आज के चार्ट्स सेव करने के लिए तो बेटर आप सेव करो ईओडी में तो हम भेजते हैं ये वाले चार्ट जो हमारा पेड ग्रुप है इसमें जो हमारे लाइव अपडेट्स है वो तो सारी चीजें जाते ही है अनालिस चार्ट भी जाते हैं कल कुछ स्टॉक्स यहाँ पे शेयर किए गए विप्रो और पतंजलि करके कुछ स्टॉक थे जिनके कुछ लेवल से शेयर किए गए कुछ चार्ट के अनालिस हैं कि क्या हमें डेली किस तरीके से चार्ट समझने वो सारे यहाँ पे जाते हैं यू कैन ज्वाइन ईओडी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा ओके okay, सो so, अब अगर आप यहाँ पर जाके नोट करोगे सो दिस इज द रेंज जो एक बैंक निफ्टी में मेंटेन्ड है इस टाइम तक आज भी जो प्राइस है प्राइस जब भी इन सारे रेसिस्टेंस को हिट करने की ट्राई कर रहा है यहां से हमें एक प्राइस में डायरेक्ट फूल ठीक है सो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां से निकलने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है दस्ता लेवल जहां से प्राइस ने डायरेक्ट एक फोल दिया था उसके बाद अगर इस लेवल को निकलता है तो हम डायरेक्ट एक अपसाइड का कॉन्टिन्यूएशन कल के लिए देख सकते हैं प्लस मैं मार्केट में ये एक रेंज बनी हुई है प्राइस की ठीक है यहाँ पे प्राइस अभी भी आ रहा है सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट एरिया दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया इसके बीच में दिस इज रेंज इस का ब्रेकआउट होता है अपसाइड मोमेंटम हमें दिखेगा इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो जो ये गैप यहाँ पर बना हुआ है मार्केट में हमें वो फिल होते हुए यहाँ पर दिखेगा प्राइस में ठीक है तो ये हमारे बैंक निफ्टी के कुछ टारगेट्स हैं अगर आप इस टाइम पे जाके निफ्टी का चार्ट एनालाइज करते हैं अगर हम तो निफ्टी में जो आज का हाई है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी में प्रीवियस हाइज भी थे लेकिन निफ्टी में आज का हाई हमारे लिए रेसिस्टेंस है ठीक है क्योंकि ये ही यहाँ पर हमें सबसे जो ज्यादा है कुछ एनालिसिस पिछले दिनों के में जो हाई दिख रहा है वो यही बना हुआ है उसके बाद अगर आप देखते हो सो दिस इज जो यहाँ पे एक फोल्ड स्टार्ट हुआ फिर एक ऑपोजिट कलर कैंडल आया अगर कल ये ऑपोजिट कलर कैंडल जो आई है इसका लो अगर प्राइस कल निकालता है तो हम ये डायरेक्ट जो रन है वो इस लेवल तक आते हुए देख सकते हैं उसके बाद दिस विल बी लाइक दिस पैटर्न इसके ब्रेक डाउन अगर आता है तो हमें वापस कॉन्टिन्यूएशन चाहिए इस तरीके से फॉर्म करने के लिए अदरवाइज ये जो लेवल है डाउन साइड में इस तरीके से अगर नहीं जाता प्राइस और रेंज बनाकर इसी का कॉन्टिन्यूएशन हमें देख है, तो हम अपसाइड का जो टारगेट है वो प्लान करेंगे इसके बीच में अगर कहीं भी ओपनिंग होती है तो वी विल नॉट ट्रेड वी विल वेट जब तक प्राइस सेटल होता है या तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे जाए या प्राइस अपने सपोर्ट पे जाए ठीक है सो तो ये हमारा कुछ एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो भी होगा लाइव अपडेट्स आपको यहां पर सारा Uh, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पर पता चल जाएगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से लिंक ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर मेरी ऑलरेडी आईडी पिन है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम ह्योर किसी भी चीज से रिलेटेड यूडी आपको ज्वाइन करना है हमारा कोर्स है वो ज्वाइन करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कोर्स एन ईओडी के बारे में प्लस uh, में कुछ डिटेल्स और आपको चाहिए तो यहां से आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली लास्ट मंथ है इस ईयर का दैट्स वाई uh, जो हमारे चार्जेस है वो बहुत ज्यादा कम है और डिस्काउंट पे प्राइजेस है सो आई होप कि एनालिसिस आपको पूरा क्लियर है कल के लिए कुछ डाउट्स हो आप कमेंट्स में डालो मुझसे टेलीग्राम करके आप पूछ सकते हो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल डू शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस विद दिस थैंक यू सो मच बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैपीफेंश लिटरेसी